गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलो, वेटिंग फॉर द पार्टिसिपेंट्स टू ज्वाइन। एंड वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स आई वांट टू से टुडे इज, अभी जो मुझे एक लेटेस्ट कमेंट आया हुआ है व्हाट्सएप पे, जस्ट चेकिंग, मैं आपको पूरी स्क्रीन भी शेयर करता हूँ वो दिखाने के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग, इम्पोर्टेंट, नाइस थिंग। वैसे मैंने बताया था, फिर भी और बता रहा हूँ। ये कमेंट देखिए, ये कमेंट है, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज इज इट देयर इन आवर सिलेबस? वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज इज इट देयर इन द सिलेबस? मैंने बोला एक बार एग्जैक्ट कंफर्मेशन आपको देते हैं, गूगल करके देखो, जेई मेन की वेबसाइट, जेई मेन की वेबसाइट, जेई मेन NTA.in, ये उसकी वेबसाइट है। मेन वेबसाइट वाला सर्च किया, उसके अंदर गए, उसके अंदर ये मैथमेटिक्स का सिलेबस पहले लिख के आया, नीचे जाके फिजिक्स का सिलेबस आता है। इसमें आप हेडिंग देखिएगा, टू सेक्शन ए एंड बी, दो सेक्शंस में फिजिक्स का सिलेबस किया गया, एक थेरी पार्ट 80% वेटेज और प्रैक्टिकल कंपोनेंट को 20% वेटेज। इसका थेरी पार्ट में अपन ने ये चैप्टर अभी कंप्लीट फिनिश किया हुआ है, देख लो, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये थेरी थेरी पार्ट, सिंपल ना, इट्स लाइक जस्ट क्या इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स होता है, क्या साइंस होता है, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, ऐसा यूनिट्स हमने किया। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, लीस्ट काउंट हमने समझा, एक्यूरेसी प्रिसीजन की हमने बात की, एरर्स इन मेजरमेंट किया, कॉम्बिनेशन वगैरह सब कुछ किया, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज किया, डायमेंशन एनालिसिस किया, उसके एप्लीकेशन यूजेस किए, तो हमने सिलेबस कवर कर लिया। इसमें कहीं पे स्क्रू गेज और ये नहीं, हाँ उनके लीस्ट काउंट रहेगा, लीस्ट काउंट की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तो वो तो पता है, वो हमने लिखी है, मैंने आपको लिखने को बोली थी लीस्ट काउंट की वैल्यू, राइट। वर्नियर कैलिपर की क्या थी, 10^-4, और स्पेरोमीटर की और कम थी, 10^-5, राइट, करेक्ट, मीटर्स में। तो ये लीस्ट काउंट के लिए, अच्छा देखते हैं, ये सेक्शन ए हुआ, क्या प्रैक्टिकल स्किल्स में ये कुछ है, सेक्शन बी देखते हैं, अपने सिलेबस का सेक्शन बी देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, फैमिलियरिटी विद द बेसिक अप्रोच एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल। चलो है, वर्नियर कैलिपर सबसे पहली चीज है एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट में, चैप्टर नंबर 21 है, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, ये आपको एक्सपेरिमेंट्स में आपके कॉलेज में या इवन अदरवाइज यहाँ पे भी, कॉलेज में आप नहीं पढ़ेंगे कहीं तो यही, जिनका कॉलेज है, जिनका नहीं है कॉलेज उनको भी, बिकॉज ये जेई के सिलेबस में है, तो इन सब चीजों से हम लोग ही पढ़ाएंगे आपको। वर्नियर कैलिपर पढ़ेंगे अपन, स्क्रू गेज पढ़ेंगे, स्पेरोमीटर नहीं पढ़ेंगे, नहीं है, देखो स्पेरोमीटर नहीं है कहीं लिस्ट में, वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, सिंपल पेंडुलम है, मीटर स्केल है ना, यंग्स मॉड्यूलस वगैरह आगे आता है, सरफेस टेंशन आगे आता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आगे आता है, ये सबसे, तो बहुत सारे स्पेसिफिक हीट रेजिस्टिविटी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, मिरर्स का है, पोटेंशियोमीटर का है, तो ये सब एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड चीजें, डायोड्स है, पीएन जंक्शन, एलईडी है ना, ट्रांजिस्टर्स है, मल्टीमीटर भी है, ये नया एडिशन है, कुछ सालों पहले ये नहीं था, अभी 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 ऐड किया गया सिलेबस में मल्टीमीटर वगैरह का यूज, तो ये सब आएगा। एक स्क्रीन तो विजिबल नहीं है स्टूडेंट्स, स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ बेटा, दो तीन चार लोगों को ही, कभी कभी कुछ लोगों को ये रेगुलर इशू आ रहा है, आप यार टेक्निकल टीम से बात करो एक बार, एकेडमी से, आप लोगों को बार बार इशू क्यों आ रहा है? हाँ सबको दिख रही है स्क्रीन, बाकी चलो ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट जब हम देखेंगे तब करेंगे, जब आप एकेडमी आओगे ऑफलाइन क्लासेस के लिए तो हमको मांगना, आप लोग, आप याद दिलाना क्लास में, आप नहीं याद दिलाओगे तो भी हम तो कराएंगे, लेकिन आपको
कराने से पहले देखना है तो यहाँ के एकेडमी में अपन वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज अपने हाथों से देख के, आपके हाथों में रख के, उसमें कैसे डिविजन्स होते हैं और कैसा मेजरमेंट करता है, ये एक्चुअली करना है। जब एक्चुअली करेंगे तब उसका फॉर्मूला हमें समझ आएगा, तब हमें वो चीज देखनी है। अभी बस लीस्ट काउंट याद करके छोड़ देना है, ठीक है? सेम थिंग आई बिलीव इज फॉर नीट। नीट का यहाँ पे मुझे ऑफिशियल एनटीए की वेबसाइट अब नहीं मिली, नीट 2021 सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट लेट अस सर्च दिस टाइम। पहले नॉन ऑफिशियल वेबसाइट ही ज्यादा आ रही है, ऑफिशियल वेबसाइट इनकी, नीट की ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट NTANEET, NTANEET.NIC.IN। चलो जाए इस वेबसाइट पे, दिख रहा है कहीं सिलेबस? ये सब वेबसाइट पे आपको जाना है। हाँ, एक साल बाद इन्हीं वेबसाइट्स पे आपको जाके रजिस्टर करना है, अपने अपने एग्जाम का फॉर्म भरना है, सब डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। देख लो आज, फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करना पड़ेगा। एक नहीं, 1.5 साल बाद करीब, 1.5 साल बाद करीब आपको ये सब शुरू होगा। अरे भाई, हमको जो देखना है वो भी दिखा दो। नोटिस इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ओके, इंफॉर्मेशन बुलेटिन इन अलग अलग लैंग्वेज, इसमें आई होप सिलेबस होना चाहिए। वी हैव क्लिक्ड इट। मीनवाइल मैं आपको JEE एडवांस का दिखा देता हूँ। JEE एडवांस का जो सिलेबस है उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है, यूनिट्स डायमेंशन एनालिसिस लीस्ट काउंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट एंड एनालिसिस एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज माइक्रोमीटर, क्लियर लिखा हुआ है। इसमें कोई प्रैक्टिकल थ्योरी का डिफरेंस नहीं है, डायरेक्ट दिया हुआ है, तो ये हमें पढ़ना तो है ही, ठीक है? कोई उसमें ऑप्शन नहीं है, दैट वी हैव टू स्टडी, बट वो अभी नहीं पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट्स के साथ पढ़ेंगे। नीट का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ओके, कंट्रोल एफ, लेट अस सी, हैव द मेंशन सिलेबस, ये सिलेबस फॉर द टेस्ट पेज नंबर, आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं। कोर सिलेबस, सिलेबस फॉर द टेस्ट, सी अपेंडिक्स 1 फॉर द डिटेल, यहाँ पे। लेकिन यहाँ पूरे पूरे चैप्टर्स के नाम दिए गए जो एनसीईआरटी में उसी सीक्वेंस में, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ऐसे सब ना चैप्टर के नाम दे के रखे हैं। चैप्टर के नाम दे के रखे हैं, डिटेल्स नहीं है। है स्टूडेंट्स, कैसे नहीं है? है ना, डिटेल्स भी है, देखो ये आपको भेज दूंगा स्टूडेंट्स, लेकिन इस साल का है, अगले साल आपका आएगा, थोड़ा सा चेंज होगा, हो सकता है कभी कभी, फिर भी आपको चाहिए तो ये नीट का और तीनों डॉक्यूमेंट्स मैं आपको डाउनलोड करके सेंड कर दूंगा इस लेक्चर के बाद, डोंट वरी। तो स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स वगैरह सब है, नीड फॉर मेजरमेंट, यूनिट्स मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट, फंडामेंटल डिराइव, लेंथ, मास, टाइम, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एरर्स, बस। नीट के सिलेबस में नहीं है स्टूडेंट्स, तो नीट वालों को नहीं पढ़ाएंगे अपन, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज नहीं पढ़ाएंगे। JEE वाले बैच में अलग से जब होगा तब पढ़ा देंगे उनको एक्सपेरिमेंट्स में, नीट में कहीं नहीं दिख रहा है। कंटेंट ऑफ 11 सिलेबस में ध्यान से देखो आप, लीस्ट काउंट की वैल्यू बस पता होनी चाहिए क्योंकि वो तो आता ही है, एक्यूरेसी प्रिसीजन में ही वो चीज़ की बात हो जाती है, ठीक है? लेकिन डिटेल ऑफ व्हाट इज वर्नियर कैलिपर, व्हाट इज स्क्रू गेज, उनका एक्सपेरिमेंट मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा। देखो स्टार्टिंग में नहीं है, आखिर में देख लेते कहीं, आखिर में देख लेते कहीं, प्रैक्टिकल ऐसा कुछ है क्या? प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल है क्या कुछ? देखो आपने, आपको ध्यान रहा होगा स्टूडेंट्स, वाई एनसीईआरटी भी आपको रिकमेंड की जाती है, पूरा एनसीईआरटी की हेडिंग्स आपको दिख रहा है एक्चुअल ऑफिशियल सिलेबस में, सेम चैप्टर के नाम्स दिख रहे हैं आपको और सेम सब टॉपिक के हेडिंग भी दिख रहे हैं। JEE में भी कम ज्यादा ऑलमोस्ट यही है, थोड़ा सा 5-1% 10% फर्क दिखेगा आपको, ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, बट नीट में तो पूरा कॉपी किया हुआ है एनसीईआरटी से हेडिंग्स। देखो ये तो केमिस्ट्री में पहुंच गए, फिजिक्स के आखिरी में प्रैक्टिकल फिजिक्स नाम का कोई सेक्शन नहीं है नीट वालों के लिए, नहीं है। फिर भी और एक मैं एक आइडिया करता हूँ, कंट्रोल एफ करके हम सिलेबस में ढूंढते हैं कहीं वर्नियर नाम का शब्द है क्या पूरे पेज पे,
वर्नियर कैलिपर नाम का कोई शब्द नहीं है, स्क्रू गेज नाम का कोई वर्ड है क्या? पूरे डॉक्यूमेंट में स्क्रू गेज नाम का कुछ नहीं है। माइक्रोमीटर नाम का कुछ है क्या? माइक्रोमीटर नाम से भी कुछ नहीं है। स्फेरोमीटर नाम से कुछ है क्या? नहीं है। स्फीयर है, एटमॉस्फियर का स्फीयर है, स्फेरोमीटर नहीं है, स्फेरोमीटर नहीं है। ठीक है, कंफर्म। यदि अगले साल के सिलेबस में आया तो हम पढ़ लेंगे, इसलिए सिलेबस देखेंगे ना। आप जब फॉर्म भरेंगे तो हम सिलेबस देखेंगे। कुछ कम सिलेबस लाया तो आप लोग जितने खुश हो जाते हो, वैसे ही थोड़ा बड़ा है तो टेंशन में आ जाते हो, तो आपका टेंशन तो हम शेयर करेंगे ना बच्चों। कुछ एक्स्ट्रा है तो पढ़ा देंगे, वैसे कभी एक्स्ट्रा आता नहीं है, होता है तो कम ही होता है विच एनी रीजंस, है ना। बुक बदलती नहीं है, सिलेबस तो बदलेगा नहीं फिर, क्योंकि बढ़ेगा तो नहीं, टेंशन नहीं लो आप। चलो, नाउ कमिंग टू आवर टुडेज पार्ट डिस्कशन, लेट अस कम टू द ग्रुप फ्रॉम हियर। ये क्या डाला है किसने? डीपीपी। ये पहले दिशा की मैं बात करूंगा, फिर अरिहंत पे आता हूँ एज यूजुअल, क्योंकि दिशा में जो लेवल होती है, फिर अरिहंत में कभी कभी थोड़ी सी उससे हायर दिखेगी आपको, तो आप लोअर टू हायर लेवल जाएंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्यूरेसी, ये डीपीपी टॉपिक वाइज डीपीपी 2 है, तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। चैप्टर वाइज का क्वेश्चन मुझे आज नहीं पूछने, मैं बता चुका। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एक्सप्रेसिंग रिजल्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? इज और आर करेक्ट, अच्छा मल्टीपल वाला पूछ लिया है। आउट ऑफ द टू मेजरमेंट दिस एंड दिस, द फर्स्ट वन हैज अ ग्रेटर एक्यूरेसी। यहाँ एक्यूरेसी का मतलब एक्चुअली एक चीज सेंटीमीटर में है और एक चीज एम्पियर में है, दो क्वांटिटीज ही अलग है, तो उनकी एक्यूरेसी मेरे हिसाब से कंपेयर ही नहीं करनी चाहिए। पहला ऑप्शन, हम एक्यूरेसी दो अलग अलग क्वांटिटी की कंपेयर नहीं करते आने चाहिए। भले सिग्निफिकेंट डिजिट्स हम काउंट कर सकते हैं किसमें कम है ज्यादा है, लेकिन मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन को होल्ड पे रखते हैं, अभी उसको मैं टिक नहीं करने जा रहा हूँ। सेकेंड पढ़ो, आउट ऑफ द टू मेजरमेंट दिस एंड दिस, फिर से ये उसी का है, तो अभी उसको होल्ड पे रखो। अगला वाला, इफ वन ट्रैवल दिस मच बाय रेल एंड दिस मच मीटर बाय रोड, ध्यान देना थर्ड ऑप्शन में मीटर है, मीटर किलोमीटर नहीं है, देन द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 870, कुछ का कुछ किलोमीटर मीटर वाला डायरेक्ट ऐड कैसे करेंगे नंबर्स, है ना, कन्वर्शन करना पड़ेगा, तो आंसर तो 7478 किलोमीटर के आसपास ही आएगा। ओके, एंड वेन फोर्थ ऑप्शन, इफ वन ट्रेवल दिस मच बाय रेल एंड दिस मच बाय रोड, द टोटल डिस्टेंस इज 478 किलोमीटर्स। राउंड अप करेंगे तो 479 नहीं हो जाएगा क्या स्टूडेंट्स? राउंड अप करेंगे तो 479 हो जाएगा, जिनको नहीं समझ आ रहा व्हाइट बोर्ड पे मैं करूंगा। क्या आपको समझ आ रहा है? 478.697 होगा वो, तो जब राउंड अप करेंगे हम, तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स अगर हम लेना चाहेंगे, है ना, तो उस हिसाब से आंसर राउंड अप का, है ना, हम डेसिमल प्लेसेस नहीं लेना चाहते हैं, तो डेसिमल प्लेसेस नहीं लेना चाहते तो राउंड अप करेंगे बिफोर डेसिमल तक, तो 479 होना चाहिए। ठीक है, 479 किलोमीटर होना चाहिए चौथे का। तीसरा गलत है, चौथा थोड़ा से गलत हो गया, इसका मतलब पहले दोनों ऑप्शन में उन्होंने एक्चुअली कंपैरिजन की है एक्यूरेसी की, तो ग्रेटर एक्यूरेसी आएगी स्टूडेंट्स जहां पे ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहाँ पे है? ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहाँ पे है? एक्चुअली एक्यूरेसी तो लीस्ट काउंट से मेजर करी जाती है, लेकिन लीस्ट काउंट एक का सेंटीमीटर में, एक का एम्पियर में, ना, तो डायरेक्ट कंपैरिजन वैसे नहीं बन रही है। मेरे हिसाब से ये सवाल पूछा जाना आपका है बिल्कुल वैलिड है, सवाल में थोड़ी एम्बिग्यूटी है, पहले दोनों ऑप्शन में एम्बिगुइटी, तीसरा चौथा ऑप्शन क्लियरली रॉन्ग है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं। पहले दोनों ऑप्शन में कंपैरिजन मेरे हिसाब से बनती नहीं, मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया, कंपैरिजन बननी नहीं चाहिए, दो अलग अलग यूनिट्स वाले क्वांटिटीज के एक्यूरेसी का मेजर कंपैरिजन नहीं होता। मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन आंसर दिया होगा उन्होंने, क्या आंसर दिया है? फर्स्ट ऑप्शन दिया आंसर, चार सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से दिया होगा। फर्स्ट एंड थर्ड दिया है,
फर्स्ट तो सही है, थर्ड तो सीधी सीधी मिस्टेक हो गई ना भाई, इसलिए सवाल पूछा आपने। थर्ड बिल्कुल गलत है स्टूडेंट्स, बिंदास चेंज कर दो पीछे। थर्ड ऑप्शन बकवास है, सबसे बकवास ऑप्शन को उन्होंने सही दे दिया, उस ऑप्शन का तो कोई मतलब नहीं बनता। हाँ अग्रीड, वो किलोमीटर लेके किया उन्होंने, तो सवाल प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगर थर्ड ऑप्शन सही मानना है तो 397 किलोमीटर होना चाहिए था, फिर थर्ड ऑप्शन सही होता था, राइट? तो ओनली वन विल बी आवर आंसर, ओनली फर्स्ट ऑप्शन आपको टिक करना है अभी इसमें, ठीक है? ओके नेक्स्ट, ये कहाँ का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? 44, मतलब ये क्यों पूछा है किसी ने, ये क्यों पूछा है फिर? ये मंडे के लिए है क्या सवाल? दिस इज फ्रॉम विच डीपीपी आर्या? इज दिस फ्रॉम चैप्टर वाइज की टॉपिक वाइज? नहीं, सवाल पूछना ठीक है लेकिन आज के लिए नहीं बनता है, ये टॉपिक चैप्टर वाइज का है ना। हाँ तो ये हम मंडे डिस्कस करेंगे क्योंकि सबका अटेम्प्ट हुआ नहीं ना, दैट इज द ओनली रीजन। हाँ चैप्टर वाइज का क्वेश्चन है वो, तो अभी नहीं डिस्कस करना है। ये किसी ने बोला था, हमने क्लास में बता दिया उसको कि भाई पहले का लेक्चर देख ले, पहले वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। हाँ ये सवाल बहुत लोगों को परेशान कर रहा है, बहुत लोगों ने मुझे भेजा है ये पर्सनली भी, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, स्लाइड पे ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग की स्लाइड है ये वाली, हियर वी गो स्टूडेंट्स, यूनिट ऑफ लेंथ इज दिस, यूनिट ऑफ मास इज दिस। देखो ये नए नए यूनिट डिफाइन किए गए, लेंथ का यूनिट ही ये है, ठीक है, और मास का यूनिट ही ये है, सब चीज़ों का यूनिट ही अलग अलग है। तो न्यूटन का, हाउ मेनी न्यूटन विल द यूनिट ऑफ फोर्स कंटेन? यूनिट ऑफ मास इज दिस, देखो न्यूटन को सबसे पहले, न्यूटन, हाउ मेनी न्यूटन विल दिस यूनिट ऑफ फोर्स कंटेन? तो सबसे पहले मैं न्यूटन पे आ जाता हूँ। वन न्यूटन क्या होता है? वन न्यूटन होता है 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा अब साइड में आके नया यूनिट ऑफ मास, मैं रिस्पेक्टिवली मास के, लेंथ के और टाइम के नए यूनिट को नाम देता हूँ कुछ तो भी, U1, U2 और U3 चलेगा? यूनिट को नाम दे रहा हूँ U1, U2, U3, ध्यान से समझना पड़ेगा। तो 1 U1, 1 U1 कितना है? मास का नया यूनिट कितना है? 100 ग्राम, 100 ग्राम इज अ न्यू यूनिट ऑफ मास। 1 U2 नया यूनिट का लेंथ कितना है? नया यूनिट, नया लेंथ का यूनिट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड नया टाइम का यूनिट इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड। अब देखना ध्यान से क्या करना है हमको, न्यूटन का कन्वर्शन इसमें चाहिए तो केजी लिखना पड़ेगा। अच्छा केजी में कर दो तो नया यूनिट का 100 ग्राम इज व्हाट, 0.1 केजी हो जाएगा स्टूडेंट्स,
100 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दोगे तो केजी में 0.1 केजी हो जा रहा है। लेकिन मुझे किस चीज की जरूरत है? मुझे जरूरत है केजी का आंसर चाहिए मुझे इन टर्म्स ऑफ अ यूनिट। केजी का मुझे आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ यूनिट, तो 0.1 केजी। और वैसे ही मुझे मीटर का चाहिए, सेकेंड का चाहिए, तो सब कुछ मैं पहले मीटर सेकेंड केजी में कर दे रहा हूँ। एंड रेड कलर से विल चेंज द कलर। एंड यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है? यहाँ से क्या आपको समझ आ रहा है कि 1 केजी को मैं लिख सकता हूँ 1/0.1 U1, 1/0.1 U1 मतलब इज इक्वल टू 10 U1। देयरफॉर 1 केजी इज इक्वल टू 10 U1। ये समझ आया क्या सबको? बताओ मुझे, 1 केजी इज इक्वल टू 10 U1, ये समझ आया? नहीं, कुछ लोगों को नहीं समझ आ रहा, 3-4 लोगों को नहीं समझ आया। उसके ऊपर की स्टेप देखो, 1 U1 इज इक्वल टू 100 ग्राम, ये क्वेश्चन में दिया था। डू यू अग्री? न्यू यूनिट ऑफ मासेस, न्यू यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम, क्वेश्चन में दिया है। उसको बस नाम मैंने U1 दे दिया, कुछ सिंबल समझना चाहिए, सॉल्व करने में आसान देना चाहिए, इसलिए मैंने U1 बोल दिया उसको। दैट इज इक्वल टू 100 ग्राम, ये दिया हुआ है। लेकिन हम MKS में, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूँ, ऐसा यूनिट में सॉल्व करना चाहता हूँ, तो मैंने ग्राम वाला केजी में कन्वर्ट कर लिया, 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लिया। ये तो ठीक है, इस स्टेप तक ठीक है, इस स्टेप तक ठीक है, ठीक है। तो नया यूनिट इज 0.1 केजी। 0.1 केजी वैल्यू जितना नया यूनिट है, तो 1 केजी क्या होगा इन टर्म्स ऑफ अनादर यूनिट? बस मुझे नंबर शिफ्ट करना है ना बच्चों, तो केजी के बाजू में जो 0.1 है उसको मैंने शिफ्ट कर दिया, उसको मैंने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा ठीक है। लेकिन अब हमारे पास एक और शॉर्टकट है, ये सब करने की, रेड वाला कलर का करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको अगर आपने सवाल का लास्ट लाइन, लास्ट वर्ड्स ध्यान से पढ़े तो। न्यूटन नहीं पूछा है हमें इन न्यू टर्म्स, न्यू पूछा है विल कंटेन हाउ मेनी न्यूटन, हाउ मेनी न्यूटन विल द यूनिट ऑफ फोर्स कंटेन, हाउ मेनी न्यूटन विल द यूनिट ऑफ फोर्स कंटेन, मतलब नया यूनिट की बात कर रहे हो, तो व्हाट विल बी न्यू यूनिट ऑफ फोर्स? स्टूडेंट्स, न्यू यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा? जैसे न्यूटन होता है केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, तो न्यू यूनिट, लेट मी से कैपिटल यू बोल दूं मैं उसको, सो 1 कैपिटल U विल बी व्हाट? 1, उसके डायमेंशन के हिसाब से केजी के बदले आएगा U1, मीटर के बदले आएगा U2, केजी के बदले आएगा U1, मीटर के बदले आएगा U2, और सेकेंड के बदले आएगा U3। ये बात समझ आ रही है क्या? न्यू यूनिट बिकॉज ऑफ इट्स डायमेंशंस, डायमेंशन वाइज हमको चेक करना है। डायमेंशन उसके क्या है? मास में रेस टू वन है, मास में रेस टू वन है, तो केजी रेस टू वन आता था, लेकिन अब केजी अपना यूनिट रहा नहीं ना। न्यू सिस्टम में न्यू यूनिट क्या है? न्यू यूनिट इज कैपिटल न्यूटन के बदले मैंने बोला कैपिटल U, केजी के बदले मुझे लिखना पड़ेगा U1, मीटर के बदले मुझे लिखना पड़ेगा U2, और सेकेंड के बदले मुझे लिखना पड़ेगा U3, तो U3 रेस टू -2 आएगा, U3 रेस टू -2 आएगा। U3 रेस टू -2। जस्ट जस्ट प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस एक्स्ट्रा हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये कभी कभी समटाइम्स पेंटैब डज डू दिस, स्पेशली इन द आफ्टरनून, तो आई डोंट नो वाई, अपने मॉर्निंग में अपने नहीं करता है ना, ऐसी तकलीफ ये नहीं देता है। एक कोशिश करते हैं, क्या ये वाइट बोर्ड पे कम तकलीफ देगा? तो समटाइम्स इट जस्ट वर्क्स, वाइट बोर्ड पे आ जाता हूँ स्टूडेंट्स में। मैंने लिखना चाहा 1 कैपिटल U इज इक्वल टू 1
यू जस्ट जस्ट लाइक 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैसे ही 1 U इज इक्वल टू 1 U1 इंटू U2 इंटू U3 raised to -2। अच्छा चल रहा है अभी तक तो। अच्छा 1 U1 कितना था? 1 U1 वॉज 0.1 kg। 1 U2 कितना था? 1 U2 कितना था? 1 U2 कितना था? क्वेश्चन देखना पड़ेगा। 5 सेंटीमीटर के हिसाब से 0.05 मीटर बन गया था। और U3 कितना था? U3 कितना था सेकेंड में? U3 कितना था? 0.01 सेकेंड था। 0.01 सेकेंड उसका raised to -2। यस, तो अब नंबर्स नंबर्स एक साथ ला लो, यूनिट यूनिट एक साथ ला लो। नंबर 0.1 ऊपर, 0.05 ऊपर, डिनोमिनेटर से 0.01 का स्क्वायर। ओके, और यूनिट आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है न्यूटन। और लेफ्ट का कैलकुलेशन कर लो, नीचे के 4 डेसिमल ऊपर चले जाएंगे, तो 1000 × 2, 2 इसको दे दो, 2 उसको दे दो, 10 × 5 50, 50 आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन आंसर आ रहा है। मेथड समझी क्या? ये बेस्ट मेथड है। आपको सवाल बहुत लोगों को समझने में तकलीफ जाती है ना? इस बार न्यूटन इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट नहीं पूछा था, न्यू यूनिट में, न्यू फोर्स यूनिट में कितने न्यूटन्स है ये पूछा था, तो हमने निकाल लिया। न्यू यूनिट का फॉर्मूला लगाना है और उस हिसाब से सॉल्व करना है। चलो लिख लो बच्चों, जिनको जिनको ये डाउट था, जिन्होंने जिन्होंने मुझे ये भेजा था वो सब लिख लो। क्या उन्होंने आंसर 5 × 10⁻⁵ दिया है? रियली उनके ऑप्शंस में नहीं है ये? अरे उनके तो ऑप्शंस में नहीं। हाउ मेनी न्यूटन विल द यूनिट ऑफ फोर्स कंटेन? सही तो किया ना हमने, मीटर सेंटीमीटर। न्यू यूनिट इज दिस 5 × कुछ का कुछ है इन सिस्टम। इसका किसी ने मुझे सॉल्यूशन भी भेजा था कि सर उन्होंने क्या दिया है, उनकी गलती भी आपको मैं पॉइंट आउट करके दिखाता हूँ, चाहो तो फिर क्लियर हो जाएगा। किसने मुझे सॉल्यूशन भेजा था इसका? Somebody had sent me, टाइप हियर सर मैंने करके, तो मैं आपका एक बार वो मेरे व्हाट्सएप में सर्च करता हूँ। अच्छा यहाँ पे भी किसी ने भेज दिया, थैंक यू। 1 न्यूटन इज इक्वल टू, देखो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg/s², तो फोर्स इज 5 × (this) × (this). आर्या ये उनका सॉल्यूशन है? ये तेरा सॉल्यूशन है? अच्छा इसमें इसमें कहाँ गड़बड़ है मैं बताता हूँ। सब लोग देखो, ये जो अभी इमेज आई हुई क्लिक कर सकते हो, सब लोग देख रहे हो। इसमें सेकेंड का स्क्वायर नहीं किया, ये एक गलती है ना। सेकेंड का raised to, वेरी गुड, सेकेंड का raised to -2 नहीं किया, ये एक गलती है। सेंड टू व्हाइट बोर्ड होता है क्या इसमें? अच्छा सेंड टू व्हाइट बोर्ड भी हो रहा है, वाह। कैन यू डू Ctrl Z? Ctrl Z नहीं हो रहा है। अच्छा अगले पेज पे आके छोटा करके सेंड टू व्हाइट। अच्छा सबको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा ये सॉल्यूशन। हाँ तो न्यू यूनिट इज दिस मच केजी। केजी का कहा किया है इसने? सबसे पहले केजी का ग्राम 100 ग्राम है, तो 0.1 kg है। हैज शी रिटन लाइक दिस, दिस 0.1 इफ इट इज फॉर 0.1 kg तो दैट इज करेक्ट। 0.1 kg के लिए है तो दैट इज करेक्ट। फिर सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर दिया था, उसने मीटर कर लिया, तो 5 सेंटीमीटर का 100 से डिवाइड करके उसने मीटर में रख दिया, ये भी करेक्ट है। बस सेकेंड में एरर है आर्या, डिड यू रियलाइज? क्योंकि सेकेंड का raised to -2 था ना, तो सिर्फ ऐसे मल्टीप्लाई करना, ये मिस्टेक हो गई है। ओके दैट इज रॉन्ग। क्या उन्होंने भी ऐसा ही किया है? क्या उन्होंने भी ऐसा किया है? उनका सोल्यूशन
ने भेजा, थैंक यू, उनके सॉल्यूशन देख लेते हैं। ध्यान रखा करो बच्चों, बुक्स में भी गलतियां होती है। उन्होंने यही आंसर निकाला है जो आर्या ने निकाला है, और क्या उन्होंने गलती भी वही की है? 5 × 10^-2 इंटू क्या किया है, आगे का आधा दिख रहा है यहाँ पे। उन्होंने N1U1 = N2U2 यूज किया है, ठीक है, मेथड तो हाँ, हाँ बेटा मेरा पक्का करेक्ट है, मुझे भी गारंटी है। आप बोलने की जरूरत नहीं है, थैंक यू फॉर सेइंग दिस, अपना करेक्ट ही है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सॉल्यूशन है, हमारी मेथड 50 सिंपल वेरी इजीली आया हुआ है, और वही सही है, नो डाउट अबाउट इट। मैं आप देखना चाह रहा हूँ आप लोगों को, आपको मिस्टेक समझनी चाहिए बुक में क्या गलत किया हुआ है, क्या बुक में कैलकुलेशन मिस्टेक है कि कॉन्सेप्ट ही गलत है, ये आपको समझना चाहिए। देखो मास को उन्होंने लिया 100 ग्राम, उसको किया केजी में, तो ये तो कुछ गलत नहीं किया, तो वो नया मास का ये बोल रहे हैं M1 = these many times M2। ये M1 M2 क्या लेना चाह रहे हैं, यूनिट ले रहे हैं वो, ये M1 उन्होंने यूनिट के लिए लिया है, M1 उन्होंने यूनिट के लिए लिया है। L का स्क्वायर, हाँ उन्होंने L का स्क्वायर कर दिया है ना, देखो नीचे के इसमें L का स्क्वायर कर दिया, raise to -2, टाइम का करना चाहिए था, L का कर दिया, ऊपर करेक्ट है बस, बाकी देखो कॉन्सेप्ट सही लग रहा है। इट्स लाइक उनका नोटेशनल लगा है, मैंने जिसको U1 बोला है उसको उन्होंने M1 बोला है, मैंने जिसको U2 बोला है उसको उन्होंने L1 बोला, मैंने जिसको U3 बोला है उनको उन्होंने T1 बोला है, तो उनको नोटेशन अलग है, कॉन्सेप्ट शुरू में देखो सब सही लगाया है, कॉन्सेप्ट सब सही लगाया है, लास्ट सेकेंड लास्ट स्टेप में ये कैलकुलेशन में पावर में गड़बड़ कर दी, ये पावर वहां चाहिए थी, टाइम को चाहिए थी, एंड देन यू डू देयर कैलकुलेशंस, लेट अस सी, देन इट इज आई थिंक सेम एज अवर्स, 0.1 पहली चीज, नेक्स्ट चीज 0.05, और नेक्स्ट चीज 0.01 का रेस्ट, बिल्कुल सही, 50 न्यूटन ही तो आ रहा है उनका भी, सेकेंड लास्ट स्टेप में उन्होंने गड़बड़ कर दी, इसलिए फाइनल स्टेप गड़बड़ आ गई। आई बात समझ में? वेरी नाइस, वेरी नाइस, हु इज दिस, लेटेस्ट चैट के में किसने डाला है, बहुत अच्छे, ये भी सही है, ओके ये भी सही है, बहुत अच्छे से ऑलरेडी किया हुआ है किसी ने, दे हैव पुट, सो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से स्टूडेंट्स हैव डन। देखो ये अभी जो व्हाइट बोर्ड पे आ रहा है, दिस इज अ वेरी डिफरेंट सॉल्यूशन बाय सम स्टूडेंट, हु इज दैट, ओके रजिया हैज सेंड इट, वेरी गुड, ओके डिफरेंट मेथड बट शी ऑल्सो गॉट द सेम आंसर, 50 न्यूटन, बहुत अच्छा। न्यू यूनिट्स को U1 U2 U3 उसने अलग नाम लिए, ABC नाम लिया, और उसने CGS सिस्टम से कन्वर्ट किया। देखो स्टूडेंट्स एक सवाल कितनी अलग अलग मेथड, लेकिन सेम करेक्ट जवाब आना चाहिए। हाँ बेटा ऑप्शन भी गलत है, उनका जवाब भी गलत है, सिर्फ सवाल उनका सही मानेंगे अपन, उनके ऑप्शन और जवाब को गलत मानेंगे। यस बहुत अच्छा, वेल डन स्टूडेंट, स्पेशल थैंक्स वंस अगेन टू आर्या, रजिया एंड किसने भेजा, सुष्मिता, और जो भी लोगों ने ये, और कौन है, और जिसने इसके पहले मुझे व्हाट्सएप पे ये सवाल पूछे थे, वो सब लोग, बहुत लोग थे। और चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट 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 सवाल बहुत सारे मुझे दिख रहे हैं इसी के, किस चीज के, आज जो मंडे DPP हमें डिस्कस करनी है, ओके फॉर नाउ लेट मी कम टू अरिहंत के क्वेश्चन, अरिहंत DPP 2 का 13वां क्वेश्चन जो हमारा पेंडिंग था, कल टाइम नहीं बचा था ना तो रह गया था, उस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, आई ट्राई उसको एक्सपोर्ट कर सकूँ मैं व्हाइट बोर्ड पे, आई एम ट्राइंग दैट, उसको व्हाइट बोर्ड पे एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, यहाँ से अगर स्निप लिया है, स्निप को अगर कॉपी किया है और यहाँ पे आके अगर पेस्ट किया है,
नहीं इट्स नॉट बीइंग इजी टू कॉपी इट ऑन द व्हाइट बोर्ड. वो स्लाइड पे आसानी से कॉपी होता है, लेकिन स्लाइड पे आज हमें दूसरी प्रॉब्लम जा रही है. चलो कोई बात नहीं, किसी चीज का कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है. क्वेश्चन सबने देखा होगा, या आपने व्हाट्सएप पे भी शायद आप देख सकते हो, नहीं तो शॉर्ट में मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ. लीस्ट काउंट ऑफ 1 सेकेंड और पेंडुलम का क्वेश्चन है. एग्जैक्टली 1 मीटर लेंथ मेजर होती है, मतलब लेंथ में कोई एरर नहीं है ऐसा बोला है, हालांकि ये रियल लाइफ सिचुएशन नहीं है. लेंथ एग्जैक्टली 1 मीटर बोला है, मतलब नो एरर. ठीक है, नो एरर. ओके, नो एरर, कोई एरर नहीं है लेंथ में ऐसा बोला हुआ. आनंद पुट इट ऑन द कमेंट बॉक्स एंड देन ऑन द व्हाइट बोर्ड. लेकिन कमेंट बॉक्स पे नहीं आ रहा बेटा, कमेंट बॉक्स पे आने के लिए वो फाइल अटैच करना पड़ता, फाइल अटैच करने के लिए फाइल सेव होना पड़ता. डायरेक्ट स्निप बिना कॉपी सेव किए सेव करते बैठो, इतना सब कौन करते बैठेगा. हर क्वेश्चन में ऐसा करना, इट्स लिटिल टीडियस टीडियस. तो नो एरर, लेंथ एग्जैक्टली 1 मीटर इज लेंथ एग्जैक्टली 1 मीटर, मतलब उसमें कोई एरर नहीं है. देन सेकेंड थिंग दे आर टेलिंग अस कि स्टॉप वॉच यूज करके लीस्ट काउंट 1 सेकेंड, स्टॉप वॉच यूज करके. हाँ, पेंट में देना एक अच्छा ऑप्शन है, बट स्टूडेंट पेंट यूज करना एक अच्छा ऑप्शन है. आज हमारा आधा टाइम तो ऐसी चीजों में जा रहा है. आई एम नॉट लाइकिंग दिस. एनीवेज लेट अस सी, पेंट में अगर बैकग्राउंड ये ले लिया और यहाँ पे अगर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, ब्रश अगर पेन जैसा ले लिया और लिखने की कोशिश की तो हो रहा है, और कॉपी की हुई चीज को अगर मैं पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ ये पेस्ट हो भी जाएगा. और मीनवाइल इसने भेज दिया है, थैंक यू. देखो ये मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों को भी, किसी ना किसी को ये मेहनत. प्रथमेश बरर, थैंक यू. क्वेश्चन आया है, आई एम पुटिंग इट ऑन द व्हाइट बोर्ड. स्निपिंग टूल पर ही पेन है, स्निपिंग टूल पर भी पेन है, ये भी अच्छा ऑप्शन तूने ढूंढा. अगर स्निपिंग टूल पर भी पेन है, हाँ स्निपिंग टूल पर भी तो पेन है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम जाता है क्या, देखते हैं. 1 मिनट, चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है, थैंक यू. आप लोग अच्छे आइडियाज दे रहे हो, एक बार का एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना तो परमानेंटली हेल्प हो जाएगी. तो स्निपिंग टूल पे अगर ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, हाँ वही पे का, अगर पेन यूज करके देखते हैं. यहाँ पे चल तो रहा है अभी, स्टूडेंट्स देखो. तो लेंथ इज एग्जैक्टली 1 मीटर है, तो लेंथ में कोई एरर नहीं है. जी फाइंड करना है, और टाइम में की गड़बड़ है थोड़ी लंबी. टाइम में 1 सेकेंड का लीस्ट काउंट है, और 20 ऑसिलेशन करने के बाद टाइम आया है 40 सेकेंड. तो प्लीज अंडरस्टैंड स्टूडेंट, एक टाइम पीरियड उन्होंने मेजर नहीं किया, उन्होंने 20 बार मेजरमेंट लिया. तो 20 टाइम पीरियड का आंसर मैं लिखूंगा 40 सेकेंड, और लीस्ट काउंट की वजह से प्लस माइनस 1 सेकेंड की उसमें एरर होगी. ये बात आपको समझनी चाहिए, दिस इज द सुपर स्टार स्टेप ऑफ द सोल्यूशन. ये जिसको समझ गया पूरा आ जाएगा. 20 ऑसिलेशन का टाइम एक साथ मेजर किया है, ताकि 20 ऑसिलेशन के टाइम में जो एरर हो वो पर ऑसिलेशन एरर रिड्यूस हो जाए. समझे क्या? प्लीज एक्सप्लेन. स्टॉपवॉच विद द लीस्ट काउंट ऑफ 1 सेकेंड है बेटा, तो ये लीस्ट काउंट एरर आ गई ना 1 सेकेंड, ये लीस्ट काउंट एरर 1 सेकेंड मैंने यहां लिखी. अच्छा, टाइमिंग मेजर क्या हुआ, 40 सेकेंड मेजर हुआ, तो वो टाइम मैंने यहां लिखा. तो 40 सेकेंड प्लस माइनस लीस्ट काउंट वाली एरर 1 सेकेंड, ये किस चीज की एरर है? कैपिटल टी की नहीं है, 20 कैपिटल टी की है, 20 ऑसिलेशन मेजर किए उन्होंने.
ठीक है, तो 20 × T का आंसर ये आया। देयर फोर अगले स्टेप में टी का आंसर क्या आएगा? टी का आंसर के लिए आप 20 से डिवाइड करोगे, 20 से डिवाइड करोगे तो 40 + -1, पूरी चीज को 20 से डिवाइड करोगे तो मेन आंसर भी छोटा हो जाएगा और एरर भी देखो छोटी हो जा रही है, तो टी हो जाएगा 2 + -1/20, 1/20, 1/20 मतलब 0.05 सेकेंड। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई 0.05 सेकेंड, ये आ गई अपनी असली डेल्टा टी एक ऑसिलेशन का मेजर करने के लिए, एक ऑसिलेशन का डेल्टा टी है। तो सीधा सीधा ऑप्शन में से पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन टी के मेजरमेंट की एरर 1 सेकेंड नहीं है, वो 20 T की है, 20 × T की है, 1 T में की 1 T मेजरमेंट में की एरर सिर्फ 0.05 सेकेंड आ रही है। समझ गए स्टूडेंट्स? अब आगे जी का फॉर्मूला तो आपने बनाया था, टी इज इक्वल टू 2π√L/g, टी इज इक्वल टू 2π√L/g, तो 4π²L/T² ये सब करके आता था, तो डेल्टा जी बाय जी अपना आ रहा था Δl/L +2 × Δt/t। अब Δl/L कुछ है नहीं स्टूडेंट, जीरो, इसमें कोई एरर ही नहीं क्योंकि एग्जैक्टली वर्ड यूज किया है पेंडुलम, एग्जैक्टली, असली में एग्जैक्टली होता नहीं है रियल लाइफ, लेकिन उन्होंने बोला है क्वेश्चन में तो हमको लेना पड़ेगा एग्जैक्ट लेंथ। ठीक है, +2 × आ चुका है आपका डेल्टा टी ऊपर, 0.05 T आ चुका है 2, है ना, और परसेंटेज में करना है तो सब चीज को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो × 100 हो जाएगा, दैट इज क्लियरली गिविंग यू आंसर एज 5%। तो थर्ड ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर होगा A और C। यस, इज क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? चलो फैंटास्टिक। यस अरिहंत DPP2 क्वेश्चन नंबर 27 कोई डालो कहीं पे, कहीं पे तो डालो क्वेश्चंस, तो मैं देख लेता हूँ। हैड समबडी पुट इट ऑन दिस? नहीं, अब मेरे व्हाट्सएप की ग्रुप की लिस्ट खत्म हो गई, ग्रुप की लिस्ट खत्म हो गई जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। ये एक और अभी रिसेंटली डाला है किसी ने, ठीक है, ये डिस्कस कर लेंगे, ये डिस्कस कर लेंगे। ये प्रथमेश ने डाला है 27 क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे, तो अपने अपने चैट पे, तो वी विल कम टू द चैट। नंदन मालूसरे ने भी डाला है, थैंक यू बोथ ऑफ यू। यहाँ पे इसको, इसके लिए मुझे स्क्रीन अनशेयर करके ये शेयर करेंगे। यहाँ पे आ गया क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे, आधा अधूरा क्यों आ रहा है? ये मेरे व्हाइट बोर्ड की मिस्टेक होगी, इसको जूम, सिलेक्शन जैसा कुछ, इसको जूम आउट अगर करूं Ctrl-, तो क्या दिख रहा है? दिख रहा है स्टूडेंट? अब पूरा क्वेश्चन आप लोगों को जूम आउट किया तो ठीक है बच्चों, स्निपिंग पर ही करता हूँ। हाँ सही बोल रहे हो, स्निपिंग पर ही अच्छा आ रहा था, ठीक है स्निपिंग पर ही करते हैं, उसी पे अच्छा आ रहा था। क्लोज द क्वेश्चन, यहाँ पे फिर मुझे ऐसा देखना पड़ेगा, स्निप पे मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया स्निप पे, और अब आपको स्क्रीन में वापस उस पे आ जाते हैं।
यस, ये क्वेश्चन ड्यूरिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय मीन ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप. ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप क्या है, हमें अभी कुछ लेना देना नहीं है उससे. द फोकस ऑफ द माइक्रोस्कोप ऑन द बॉटम मार्क विद द एम्प्टी बीकर रीडिंग हैज रीडिंग एक्स. रीडिंग ऑफ द माइक्रोस्कोप इज वाई. एम्प्टी बीकर का रीडिंग एक्स है, कुछ तो भी. एम्प्टी बीकर का रीडिंग एक्स है और माइक्रोस्कोप का रीडिंग वाई है. विद द सेम मार्क फोकस्ड ऑन द वॉटर फिल्ड बीकर द डिस्टेंस बिटवीन वॉटर सरफेस एंड माइक्रोस्कोप इज एल मेजर्ड बाय अ स्केल. अच्छा, स्केल का यूज किया. ऑल द रीडिंग्स सफर एन एरर ऑफ 1%. द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एन परसेंट. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन. ओके, देखो n मतलब यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एरर है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला दिया हुआ है आपको यहाँ पे. रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ. रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट. एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब किया है ना, इसकी आपको डायग्राम बना के थोड़ी समझनी पड़ेगी हमको. तो फोकस ऑफ द माइक्रोस्कोप ऑन द बॉटम मार्क विद द एम्प्टी बीटर बीकर. एम्प्टी बीकर हैज अ रीडिंग एक्स एंड द रीडिंग ऑफ माइक्रोस्कोप इज वाई. ठीक है, तो रियल डेप्थ द डिस्टेंस बिटवीन वाटर सरफेस एंड द माइक्रोस्कोप इज एल. माइक्रोस्कोप क्या मेजर करना चाह रहा है. फोकस ऑफ द माइक्रोस्कोप ऑन द बॉटम मार्क इज एक्स एंड द रीडिंग ऑफ द माइक्रोस्कोप इज वाई. देखो, डेप्थ रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ. सबको पता है रियल डेप्थ मतलब क्या होता है. रियल डेप्थ जो रियल होती है, अपेरेंट मतलब जो हमें लगती है, राइट. रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ. तो ये है एक बीकर, वाटर फील्ड बीकर. बीकर एक 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 इंस्ट्रूमेंट मान लो, एक वेसल, डब्बा, कुछ भी मान लो. तो फोकस ऑफ द माइक्रोस्कोप ऑन द बॉटम मार्क विद द एम्प्टी बीकर हैज रीडिंग एक्स. तो पहले बीकर में पानी ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो तब ये रीडिंग कुछ तो माइक्रोस्कोप में ऐसे कुछ रीडिंग होंगे स्टूडेंट्स. ऐसे 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 कुछ रीडिंग होंगे यहाँ पे, ऐसे कुछ माइक्रोस्कोप से. इसका ये रीडिंग वैल्यू एक्स है. जैसे स्केल में पट्टे होते हैं ना, स्केल में मार्क्स होते हैं, वैसे इस माइक्रोस्कोप की भी एक स्केल होती. उस माइक्रोस्कोप स्केल में यहाँ पे एम्प्टी बीकर का रीडिंग एक्स आया हुआ है, ऐसा बोले हैं. एंड असली रीडिंग वाई है. असली रीडिंग वाई है मतलब जब पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, पानी जब भरा हुआ है तब का रीडिंग वाई है. पानी भरा हुआ है तब का माइक्रोस्कोप का रीडिंग वाई है, बट एम्प्टी वाला रीडिंग एक्स है. एम्प्टी वाला रीडिंग एक्स है. अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन वाटर सरफेस एंड द माइक्रोस्कोप इज एल मेजर्ड बाय अ स्केल. द डिस्टेंस बिटवीन वाटर सरफेस एंड माइक्रोस्कोप. एल क्या है. द डिस्टेंस बिटवीन वाटर सरफेस एंड माइक्रोस्कोप एल. ये तो एक्चुअली एल है, ये तो एक्चुअली एल है. ओके, जितना मुझे समझ आया स्टूडेंट्स अभी तक क्वेश्चन, इसकी रियल डेप्थ एल है. इसमें किसी को कोई डाउट है. देखो जो मैंने हाईलाइट किया, रेड, द डिस्टेंस बिटवीन वाटर सरफेस एंड द माइक्रोस्कोप इज एल इज मेजर्ड बाय अ स्केल. तो माइक्रोस्कोप वो यहां रखे हुए है और वाटर की हाइट देख रहे हैं वो.
वाटर की हाइट देख रहे हैं, तो असली में हाइट उनको एल होनी चाहिए, वो स्केल से पता चल रहा है, लेकिन एपरेंट डेप्थ विल बी वाई माइनस एक्स, एपरेंट डेप्थ विल बी वाई माइनस एक्स, जहां तक मुझे समझ आया ये फॉर्मूला बन रहा है वर्डिंग का मीनिंग। नहीं स्टूडेंट्स, समबड़ी पोस्ट इसका सॉल्यूशन पोस्ट करो, क्योंकि वो जो क्या बोलना चाह रहा है, ये एक्सपेरिमेंट तो अपने कुछ सिलेबस का एक्सपेरिमेंट नहीं है ना, तो माइक्रोस्कोप कहाँ फिट किया है? हैव दे गिवन एनी डायग्राम इन द सॉल्यूशन? माइक्रोस्कोप ऊपर डाला हुआ है, माइक्रोस्कोप ऊपर है। ओके, आप लोग चैट बॉक्स की इमेज देखिए, माइक्रोस्कोप ऊपर है, एल एल ये है, वाई ये है, अच्छा एक्स माइनस एल अपॉन वाई माइनस एल ये आ रहा है। ये पहली स्टेप ही हमको समझनी मुश्किल है, आगे तो हम जानते हैं कैलकुलेशन कैसे करना है, ये एक्सपेरिमेंट अपने पास नहीं है। तो रियल डेप्थ इज दिस और ये इज दिस, सब लोगों को चैट में की इमेज दिख रही है ना स्टूडेंट्स, उसको डिस्क्राइब करूं मैं साथ में, लेट अस सी वर्डिंग्स पढ़ते हैं। रियल डेप्थ, हाँ सबको दिख रही है, तो रियल डेप्थ यहाँ पे उन्होंने बोली एक्स माइनस एल, तो एक्स क्या था? ऊपर से माइक्रोस्कोप है और एक्स एम्प्टी बीकर का बॉटम है, तो पानी नहीं था तब उन्होंने एक्स मेजर कर लिया था, ठीक है, और पानी है तब का रीडिंग वाई है, ओके, और एल जो है वो हम समझने में गलती कर रहा था मैं, डिस्टेंस बिटवीन वाटर सरफेस एंड माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप ऊपर से है यहाँ पे, तो यही तो हमें पता नहीं था ना, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट, फिर से दिस इज अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सपेरिमेंट, मतलब ये एक्सपेरिमेंट में आएगा, थ्योरी पार्ट का क्वेश्चन नहीं आएगा, एक्सपेरिमेंट पार्ट का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अभी आपने पूछा, हम सोल्यूशन देख रहे हैं, डायग्राम दिखा दी तो हमको एक्सपेरिमेंट समझ गया, एक्सपेरिमेंट समझ गया तो हम कर लेंगे आगे, ठीक है। ये डायग्राम है समझना, माइक्रोस्कोप कहाँ रख के वो देखना चाह रहे हैं ये हमें समझना जरूरी था, ठीक है। तो देन फॉर्मूला बन रहा है, सीधे सीधे बात है, रियल डेप्थ सबको दिख रही है, कंप्लीट एक्स माइनस एल ये असली डेप्थ है, और वाई माइनस एल ये अपरेंट डेप्थ है, ये बात क्लियर होगी डायग्राम पर से, एक्स माइनस एल और वाई माइनस एल कैसे आया ये बात सबको क्लियर है डायग्राम पर से, तो बताओ टाइप करो। चलो ठीक है, हाँ आगे का पार्ट, तो अब उनके इस पे जाऊं मैं या ना जाऊं, उनके इसमें 2%, 2%, 4% एरर चाहिए, परफेक्ट, 4% आंसर बिल्कुल सही है, 4% आंसर बिल्कुल सही है। चार टर्म्स आएगी स्टूडेंट्स, चारों में एक एक परसेंट एरर है, तो सब 4% एरर, सॉल्यूशन एक्सप्लेनेटरी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सॉल्यूशन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। यू वांट मी टू एक्सप्लेन द सॉल्यूशन? ठीक है, एक्स माइनस एल अपॉन वाई माइनस एल, आ जाओ, आप लोग क्या देख पा रहे हो, आप लोग ये मेरे साथ देख पा रहे हो, तो इसमें न्यू कर देते हैं, कुछ भी चीज न्यू, इसमें पेन कहाँ पे है? ये पेंसिल है, ठीक, साइज लिटिल बिगर, एक्स माइनस एल अपॉन वाई माइनस एल, ये इन्होंने लिया है म्यू का फॉर्मूला, परफेक्ट
परफेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, एक तो पहले डिवीजन आ रहा है स्टूडेंट्स, डेल्टा म्यू बाय म्यू, ये ऊपर की टर्म को मैं एक साथ कुछ ए मान लूँ और नीचे की टर्म को एक साथ कुछ बी मान लूँ, तो डिवीजन का पर रिलेटिव एरर का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, दिस विल बी द मैक्सिमम एरर। ठीक है, अब ये व्हाट इज ए, ए इटसेल्फ इज एक्स माइनस एल, और यहाँ पे दिस इज नीचे एक्स माइनस एल, प्लस बी इज वाई माइनस एल, तो यहाँ पे नीचे होगा वाई माइनस एल। बट क्वेश्चन में गिवन क्या क्या 1% था, हर एक में 1% के एरर बोली गई थी, मतलब डेल्टा एक्स बाय एक्स, डेल्टा वाई बाय वाई और डेल्टा एल बाय एल, हर एक को 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आता है, मतलब हर चीज 1/100 है, हर चीज 1/100 है, या तो डायरेक्टली मैं 1% है ऐसा लिख सकता हूँ, रिलेटिव एरर 1/100, परसेंटेज एरर 1%, ये हर एक में है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। तो डेल्टा एक्स हुआ, अच्छा रिलेटिव एरर को मैं पॉइंट में लिखूं तो 0.01 लिख सकते हैं ना, 1/100 को 0, सो डेल्टा एक्स हुआ 0.01x, डेल्टा एल हुआ 0.01l, और डेल्टा वाई हुआ 0.01y। चलो अब यहाँ आते हैं, जब सब्ट्रैक्शन का डेल्टा है, सब्ट्रैक्शन की एरर है, तो हम मैक्सिमम के लिए ऐड करते हैं डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एल, ये ऐड करते हैं, जो ऊपर की एरर है तो वो भी डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एल हमने ऐड करना चाहिए, और नीचे एक्स माइनस एल और वाई माइनस एल। चलो डेल्टा एक्स की वैल्यू लिख दूं मैं 0.01x, डेल्टा एल की वैल्यू 0.01l, नीचे एक्स माइनस एल प्लस आगे डेल्टा वाई इज 0.01y, डेल्टा एल इज 0.01l एंड नीचे वाई माइनस एल। इस स्टेप तक हम पहुंच गए, अब यही हमें परसेंटेज में चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई करके। तो ये एक्स और वाई और एल की वैल्यू पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स, एक्स और वाई और एल की वैल्यू पे डिपेंड करना चाहिए, एक्स और वाई और एल की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है दिस आंसर, एक्स वाई और एल की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। आगे 0.02, 0.02 एक्स, नहीं स्टूडेंट्स हॉचपॉच हो गया इनका एक स्टेप में, मुझे लगा एक और एक और एक और एक, सीधा सीधा 2 और 2 4 आ रहा है, लेकिन हॉचपॉच हो गया है, दिस क्वेश्चन इज नॉट सॉल्वेबल विद द गिवन इंफॉर्मेशन, एक्स वाई एल देना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ इन कहाँ गड़बड़ करी है इन्होंने, ये इनका सॉल्यूशन है राइट, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है इस स्टेप में, यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है, यहाँ से ये स्टेप गड़बड़ हो गई है, क्यों, बिकॉज 1% एरर दी थी ना, तो डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 वॉज 1 इसकी वैल्यू, तो डेल्टा एक्स बाय एक्स इज 1/100, ओके, तो डेल्टा एक्स का आंसर अगर लिखना ही है
है ना, तो एक्स अपॉन 100 लिखना चाहिए, एक्स अपॉन 100 लिखना चाहिए, है ना, ये मतलब 0.01x लिखना चाहिए जैसे मैंने मेरे सॉल्यूशन में लिखा, लेकिन आगे सॉल्वेबल नहीं है, उन्होंने डेल्टा एक्स को सिर्फ 1/100 लिखा, ये गड़बड़ है, ये गलत है, यस गलत है, यस। प्रीवियस स्लाइड लिख के कोई फायदा नहीं है क्योंकि प्रीवियस स्लाइड पे से लिखा हमने सही है लेकिन क्वेश्चन ही गलत बना है, इसके आगे इसका सॉल्विंग नहीं होगा, मैं आपको बता के दे रहा हूँ इसको, क्योंकि आप 100, दिस विल ऑल विल डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, इसको आप म्यू, इसको 100 से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे फॉर परसेंटेज, तो अपना आंसर इसका क्या आ रहा है, आंसर ऑफ परसेंटेज आ रहा है 100 से मल्टीप्लाई कर एक्स प्लस एल अपॉन एक्स माइनस एल प्लस वाई प्लस एल अपॉन वाई माइनस एल, ये मैथमेटिकली न्यूमरिकल आंसर नहीं आएगा, दिस विल बी डिपेंडेंट ऑन एक्स वाई एल, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो एक्स प्लस एल इंटू वाई माइनस एल प्लस वाई प्लस एल इंटू एक्स माइनस एल अपॉन एक्स माइनस एल इंटू वाई माइनस एल, ये ऐसा कुछ ऑप्शन होना चाहिए था, आप अब इतना पेशेंस हमने किया है तो मैं थोड़ा आगे भी आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूँ आंसर इसमें नहीं आने वाला, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस एल एक्स माइनस एल वाई माइनस एल स्क्वायर, माइनस एल वाई प्लस एल वाई कैंसिल, माइनस एल एक्स प्लस एल एक्स कैंसिल, एक्स वाई डबल हो रहा है, नीचे की टर्म को एज इट इज लिखूंगा मैं, तो ऊपर डबल ऑफ एक्स वाई माइनस एल स्क्वायर और नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है एक्स वाई प्लस एल स्क्वायर प्लस माइनस एल इंटू एक्स प्लस वाई, ये पूरा फाइनल सिंप्लीफिकेशन आ रहा है, ओके नाउ दिस एल और एक्स और वाई की वैल्यू ही गिवन नहीं है, ट्रू वैल्यूज ही गिवन नहीं है, तो उसके बिना ये सवाल नहीं बनेगा, और सवाल नहीं बनेगा तो उनकी मिस उनके सॉल्यूशन में कुछ मिस्टेक होनी चाहिए, अगर उन्होंने आंसर लाया तो वो मिस्टेक मैंने आपको बता दी कौन से स्टेप पे है, कहाँ बताई मैंने वो स्निप पे, यहाँ पे इस स्टेप में मिस्टेक, ठीक है, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, चलो अब इसके बाद, हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, ये नॉटिकल माइल वाला क्वेश्चन, नॉटिकल माइल इज 6,080 फीट, तो कन्वर्ट 18 नॉटिकल माइल पर आवर इन मीटर पर सेकेंड, ओके इनका कन्वर्ट इट इन मीटर पर सेकेंड, कुछ तो नाम दे देते स्टूडेंट्स, 1 नॉटिकल माइल को कुछ सिंबल दे दूं, क्या कोई स्टैंडर्ड सिंबल होता है नॉटिकल माइल का, तो मैं वो यूज करना पसंद करूंगा, इज देयर एनी स्टैंडर्ड सिंबल फॉर नॉटिकल माइल, डिड यू फाइंड इट इन एनी बुक, नॉटिकल माइल का कोई सिंबल है, इज देयर एनी सिंबल, NM, कैपिटल N, नहीं स्मॉल NMI और कैपिटल में भी कुछ कुछ है, मैं स्मॉल एनएमआई यूज करना पसंद करूंगा, स्टैंडर्ड नोट स्मॉल एनएमआई, तो 1 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल एनएमआई इज इक्वल टू 6,080 फीट, कन्वर्ट व्हाट, कन्वर्ट 18 नॉटिकल माइल पर आवर, मतलब एनएमआई पर आवर मतलब डिवाइडेड बाय आवर इनटू, आवर का सिंबल क्या है स्टूडेंट्स, आवर का एच है कि एच आर है, दिया किसी के शुरू में था, एच है कि एच आर है, आवर का स्टैंडर्ड सिंबल एच है कि एच आर है, सिर्फ एच, एच आर नहीं सिर्फ एच, तो 18 नॉटिकल माइल पर आवर को कन्वर्ट करना बोला है मीटर पर सेकेंड में, चलो करते हैं, नॉटिकल माइल का पहली चीज दी है फीट में कन्वर्शन उन्होंने दिया है, करो लिखो एनएमआई को लिखो 6,080 फीट, ठीक है, आवर को कर देते सेकेंड में, आवर का सेकेंड सबको पता है 3,600 मिनट्स,
सेकेंड सवाल है मीटर पर सेकेंड में करने का, तो हमें फीट और मीटर का कन्वर्शन पता चाहिए। 1 फुट इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, ये हमें सवाल पे दिया नहीं है, मतलब एक्सपेक्टेड है कि पता चाहिए। 1 फुट करीब 30 सेंटीमीटर होता है, करीब की एग्जैक्ट 1 फुट 10 सेंटीमीटर, 1 फुट 2 सेंटीमीटर, 30 एग्जैक्ट होता है कि अप्रोक्स होता है, अप्रोक्स है स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 इंच के 12 गुना सेंटीमीटर हो, 12 गुना से फुट मिलता है। यहाँ पे देखिए 1 1 इंच, ये चीज याद रखना आप लोग स्टूडेंट्स, 1 इंच, 1 इंच का 2.54 सेंटीमीटर होता, और 1 फुट में 12 इंचेस होते, 1 फुट में 12 इंचेस है, 12 इंच, तो 12 इंच की वजह से 12 × 2.54 सेंटीमीटर। ये कुछ तो आपको याद करना पड़ेगा, कि क्वेश्चन में नहीं दिया, मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग अस कि ये बेसिक हमें पता होना चाहिए, तो ये हम याद कर लेंगे। अब एक चीज तो मैंने आपको बॉक्स करके बोला, इंच का सेंटीमीटर में याद रखो, इसके हिसाब से ये आंसर आ रहा है 30.48 सेंटीमीटर, विच इज मैचिंग विथ वॉट आई जस्ट गूगल, 30.48 सेंटीमीटर मैच हो रहा है फुट का। तो अच्छा, तो सेंटीमीटर में मैच हो रहा है तो मीटर में भी कर लेते हैं, 2 डेसिमल शिफ्ट करने पड़े, तो 0.3048 सेंटीमीटर। ओके, अब ऑप्शंस तो आपको दूर दूर दिख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ऑप्शंस तो अच्छे खासे दूर दूर है, ऑप्शंस आर नॉट क्लोज क्लोज वैल्यूज, तो इतना एक्यूरेट कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या हमें? बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ नीचे कैंसिलेशन करो, 18 और नीचे 200 हो जाएगा, 200 होने के बाद एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, इतना कर रहा हूं मैं, तो आगे क्या कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन 608/20, तो ठीक है, फीट को मैं लिख दू अप्रोक्सीमेशन में 0.03 मीटर लिख दू, तो फीट को 0.03 लिख के मीटर पर सेकेंड में हम आंसर निकालेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 608 का 3 गुना करो, 608 का 3 गुना 1824, 1824 2 डेसिमल देने हैं, तो 1824 2 डेसिमल देने हैं, 1824 2 डेसिमल देने हैं बाय 20 मीटर पर सेकेंड। अरे तो आंसर तो आ रहा है 0.9912 मीटर पर सेकेंड मेरा अप्रोक्सीमेशन आ रहा है। 6080, क्या कुछ गलत किया मैंने भाई, क्या कुछ गलत किया, 0.3 मीटर, हाँ 0.3, सॉरी 1 जीरो गलत किया मैंने, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 1 जीरो गलत किया, सॉरी फॉर दिस, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। सेंटीमीटर टू मीटर में जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 2 डेसिमल शिफ्ट होने से ये 0.3 आएगा, अप्रोक्सीमेटली जीरो, यस यस करेक्ट, 1 फीट का अप्रोक्सीमेटली 0.3 मीटर, दैट्स ट्रू, तो यहाँ 0.3 आएगा, ये 0 कैंसिल कर दो, तो ये 182.4 हो जाएगा, और उस हिसाब से मेरा आंसर आ रहा है 9.12, 9.19 के आसपास का आंसर हमें सिलेक्ट करना है, तो सेकेंड ऑप्शन। इज इट ओके ईशा? यस, दिशा का 21 सेंड करो, तो बेटा फिर सेंड कर दो, डाउट केस में सेंड कर दो, कहीं ना कहीं मुझे बताओ कहाँ सेंड किया है फिर आपने, नहीं तो अभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो ये है शर्वरी, ये कहाँ का क्वेश्चन है? 45 वाला का नहीं है ना, 45 वाले का नहीं है ना ये क्वेश्चन डीपीपी? अरे दिशा का कहाँ का, मतलब दिशा के डीपीपी जो मैंने मंडे बोली वो उसका नहीं है ना, उसमें कई है, तो फिर तो अभी नहीं करने वाला, मैं आपको बता चुका हूँ।
सबको ट्राई करने दो। ओ हो, ये क्वेश्चन। फाइंड द परसेंटेज इन द मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द, अरे ये 17वां क्वेश्चन मैंने मना किया था ना अभी। मैंने मैंने ये अरिहंत की सेकंड डीपीपी का क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें जहां जहां साइन कॉस टैन का एरर निकालना था या लॉग या एक्सपोनेंशियल का एरर निकालना था, वो वाला मैंने बोला है कि आपको डिफरेंशिएशन का चैप्टर करेंगे बच्चों, उसके बाद आएगा, तब तक ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। ठीक है, तब तक ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। अरे कल्पेश, ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम क्लास में। डन, अरिहंत डीपीपी 2 का 17 तो मैंने बता दिया प्रतीक, कुछ नहीं बचा स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से। नो बडी इज आस्किंग एनी अदर न्यू क्वेश्चन ऑफ समथिंग एल्स। चलो, यूनिट्स डायमेंशन वगैरह का कुछ नहीं था ना, और पहले वाला कुछ नहीं था, जो जो चीज हो चुकी है उसको रिपीट नहीं करते। यस, लेट अस स्टॉप हियर स्टूडेंट्स। ओके, सी यू ऑन मंडे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय स्टूडेंट्स।